Thank you everyone for being here and we should keep it bilingual, I suppose, right? चलें उर्दू में कर लेते हैं. वोट ले लीजिए. उर्दू या गोरों की ज़बान अंग्रेजी? What do you say? Both. चलें. तो आज जो basically topic था वो I won't say that I am an authority over this at all and Dr. Parvez Saab has written a book over this in I guess 1991 as well, Islam and Science के नाम से. तो वो मेरी नज़र से गुजरी और उसको गो थ्रू किया और देखा कि डॉक्टर साहब का आर्ग्यूमेंट उसमें क्या है और रिसेंटली भी जो डॉक्टर साहब की डिस्कशंस या आर्टिकल्स आते रहते हैं उसमें ये नुमायाँ पहलू होता है कि सोशल क्रिटिसिज्म जो कि बहुत ज़रूरी है किसी इंटेलेक्चुअल के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मुआशरे के लिए ग्रोथ ज़रूरी होती है क्योंकि जब तक वो आपको अपनी डार्कनेस नहीं दिखाते आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते. तो इसी तरह डॉक्टर साहब का सोशल क्रिटिसिज्म जो है वो आप सब भी पढ़ते रहते होंगे, देखते रहते होंगे. तो पहला जो सवाल है वो गोल्डन एज के हवाले से है कि आया ये कैटेगराइजेशन जो होती है जो कहा जाता है कि ये गोल्डन एज या डार्क एजेस कोई चीज़ थी यूरोप के अंदर या फिर जदीद दुनिया जो आज हम देख रहे हैं इसके जो पहले अदवार थे जिसमें मिडल एजेस से पहले वायलेंस हुआ या फिर कुछ पीरियड्स इस्लामिक हिस्ट्री में जो थे जिसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है, कहा जाता है कि ये सुनहरी दौर था, इस दौर में मुस्लिम साइंस या फिज़िक्स या केमिस्ट्री पिनअप रही थी, मुसलमान सोच रहे थे, लिख रहे थे और रिसर्च कर रहे थे. इसके अलावा उनका जो फोकस था वो न्यूअर आइडियाज़ की तरफ भी था, कुछ रैशनल ट्रेडिशन भी जो है वो मुस्लिम हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती थी. तो इस तरह से वो बराक ओबामा का एक कोट मुझे याद आ रहा है जब वो कैरो गए इजिप्ट 2009 में, तो उन्होंने कहा कि इट वाज इस्लाम दैट कैरिड द लाइट ऑफ लर्निंग थ्रू सो मेनी सेंचुरीज पेविंग द वे फॉर यूरोप्स रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट. इट वाज इनोवेशन मुस्लिम कम्युनिटीज दैट डेवलप्ड द ऑर्डर ऑफ अलजेब्रा और मैग्नेटिक कंपास एंड टूल्स ऑफ नेविगेशन और मास्टरी ऑफ पेन्स एंड प्रिंटिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड्स एंड हाउ इट कैन बी हील्ड. US प्रेसिडेंट इजिप्ट में जाकर ये कहता है कि दरअसल ये इस्लाम ही था जिसने शुरू में ये इंसान को बताना शुरू किया कि जब बीमारी फैलती है तो उसका इलाज क्या है या फिर मैथमेटिक्स क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या चीज़ है. तो अगर आज का मुसलमान और पाकिस्तान में बिलखसूस जो मुस्लिम कम्युनिटी है जब वो ये सुनती है तो शायद वो रिलेट ना कर पाए क्योंकि हमने बड़े होते हुए सिर्फ यही सुना है कि हमारे मुआशरे में डीजनरेशन है, हम उस पेस पे नहीं चल रहे जिस पे फर्स्ट वर्ल्ड चल रही है, ना यहाँ इतने पेटेंट्स आते हैं, ना यहाँ पर इजादात होती हैं, ना यहाँ पर साइंटिफिक रैशनैलिटी आम है और ना यहाँ पे प्रोफेसर शेर अली की तरह के प्रोफेसर्स भी हैं जिनकी मिसाल आपके सामने है जो सिर्फ एवोल्यूशन पढ़ाने पे उनके खिलाफ पहले पर्चा करने की बात की जाती है और उसके बाद में उनसे अपॉलोजी दिलवाई जाती है पब्लिक में DC ऑफिस में खड़े होके. तो हम इस इस्लाम के वर्जन से रिलेट क्यों नहीं कर पाते, इससे आगाज़ करते हैं. तो डॉक्टर साहब पहला सवाल तो यही होगा कि गोल्डन एज की हम बात सुनते हैं, इज इट अ मिथ और रियलिटी? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल. मेरा ख्याल है जो मौजू है, मैं पहले थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुसलमान दुनिया की वो गजा से वाजे होती है. आज एक छोटा मुल्क जिसकी कुल आबादी 10 मिलियन है, 10 मिलियन से भी कम है, यानी इसराइल 10 मिलियन, ज़रा सोचिए कराची की आबादी 24 मिलियन है, लेकिन उस एक मुल्क ने जो जुल्म किया है फलस्तीनियों के ऊपर और जिस तरह से अरब ममालिक जिनकी जो कुल आबादी है कोई 500 मिलियन से ज़्यादा है वो चूं तक नहीं कर सके, वो यहाँ तक के अपने सिफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता नहीं कर सके, उनकी कमजोरी की अलामत है. हाँ मुजम्मिल, जो बात आपने कही बिल्कुल सही है कि आज जो आजकल की दुनिया में ताकत का सरचश्मा तो दरअसल साइंस है, साइंस की इजादात है जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बदला है और साइंस की इजादात है जिससे जदीद असलहे बने, साइंस की इजादात है जिससे हम और आप आज इतनी तवील जिंदगी गुजारते हैं. लेकिन इसमें मुसलमानों का किरदार पिछले 1000 साल से सिफर रहा है. ना बिजली हमारी इजाद है, ना अद्वियात इजाद है, ना कंप्यूटर इजाद है, कोई एक इजाद भी नहीं है जो मुसलमानों के जिम्मे हम ठहरा सकते हैं, जो उनकी जमीनों से निकला हो, उनके दिमागों से निकला हो. और हम
हमेशा इस बात पर फख्र करते हैं कि हम ही हैं जिन्होंने साइंस ईजाद की, बनाई, उसे तरक्की दी, और ये वो जमाना है जो सुनहरा दौर कहलाता। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहूंगा। बात शुरू होती है सन 632 से, जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। तो उस वक्त मुसलमानों की तो जंगी फतुहात जरूर थी। अच्छा, मैं अपनी बात थोड़ी सी लंबी करूंगा, बुरा ना मानिएगा इसमें, सवाल, ताकि इसका एक बैकग्राउंड बन जाए। तो उस वक्त तक तो अरब फतह हो चुका था, लेकिन अगले 30 साल में, यानी कि खुलफाए राशिदीन के जमाने में और उसके कई दहाइयों, चंद दहाइयों के बाद, इस्लाम एक तरफ से दूसरी तरफ फैला। हर शख्स यहां पर जानता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा किस साल में, 712 में। हर एक जानता है 712 और 632 में कितना फर्क है, 70-80 साल का फर्क है ना, उससे ज्यादा नहीं। उससे एक साल पहले तारिक बिन ज़ियाद ने हिस्पानिया पर हमला किया और फतह किया। अच्छा, ये देखिए कि 80 साल में इस्लाम यहां से सिंध से लेकर स्पेन तक फैल गया। तो हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये सुनहरा दौर था इस्लाम का, कि इतना मजबूत मजहब था कि इधर से उधर तक चला गया। लेकिन देखिए, ये तो जोरे बाजू से था, ये जोरे तलवार से था। इसमें तो जो ज्यादा हिकमत, जिसकी बेहतर हिकमत अमली है, जो जितनी जोर से तलवार चला सकता है उसकी फतेह होगी। इससे कोई तहजीब नहीं बनती। जिस तरह से मंगोलों ने हमला किया और वसी इलाके उन्होंने फतेह किए, लेकिन उनसे कोई तहजीब नहीं बनी। इस्लाम से तहजीब बनी, मुसलमानों की तहजीब बनी। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हुआ। तो जब इस्लाम शुमाल की तरफ फैला, तो पहले दमिश्क, उसके बाद बगदाद, और उन इलाकों को जो मुसलमानों ने फतह किया, उधर उन्हें एक बड़ी एडवांस तहजीब दिखाई दी, जिसे देखकर वो हैरान हुए। और ये तहजीब यूनान से माखिज़ थी। और उधर उन्होंने ये देखा कि ऐसे हीरे जवाहिर हैं इल्म के, जिसको देखकर वो दंग रह गए कि ये है क्या चीज। तो उन्होंने जो रोशन ख्याल खलीफा थे, जैसा कि अल मामून और हारून अल रशीद और अब्दुल रहमान, उन्होंने कहा कि हमें तो इसका तर्जुमा कराना चाहिए। और उन्होंने फिर मुतरजमों को इस काम पे लगाया कि भाई बताओ इसके अंदर है क्या। तो जो बातें वहां से समझ में आई, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और उन्होंने दावत दी हर किस्म के लोगों के, हर किस्म के आलिमों को, कि वो उनके दरबारों में आएं और इन बातों को समझाएं और इनको आगे बढ़ाएं। तो शुरू में ये यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, नेस्टोरियन थे, चंद एक हिंदू भी थे उनमें से। मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। अच्छा, ये वो जमाना है जब साइंस दाखिल हुई इस्लामी तहजीब में, जब उसकी शुरुआत हुई। अगला जो 400 साल है वो बहुत अच्छा गुजरा। मुसलमान जो आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं, अल-ख्वारिज्मी, अल-फाराबी, इब्न सीना वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत बड़े मुफक्किर थे, साइंसदान थे, जिन्होंने इल्म के हुदूद को बहुत आगे तक पहुंचाया। और जब ये खत्म भी हो गया, और मैं बताऊंगा कि क्यों खत्म हुआ, तो फिर वो इल्म का चिराग यूरोप में जलने लगा। लेकिन ये जो 400 साल थे 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक, ये इस्लामी तहजीब की का उरूज था। ये वो जमाना है जो गोल्डन एज कहलाता।
वो पहले जो फतुहात वाला था ना, वो नहीं था. इट वॉज दिस, इट वॉज रियली द रीकिंडलिंग ऑफ लर्निंग, ऑफ ग्रीक लर्निंग. तो बहुत कामयाब जमाना है. हम इस पे बहुत फख्र भी करते हैं. मैं नहीं कहूंगा कि सब लोग इस पे फख्र करते हैं, लेकिन जो सोचने समझने वाले लोग हैं और जो जानते हैं कि इंसान की तरक्की इल्म के जरिए से होती, वो इस पे फख्र करते हैं. अच्छा, तो अब मैं आपका सवाल एंटिसिपेट कर रहा हूँ. सही डॉक्टर साहब, इसमें एक बात जो हम करते हैं, ये हम का जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि या तो फ़लसफे के अंदर वेस्टर्न के अंदर हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, या इंडिक फिलोसफी है जो इंडियन रीजन में थी, या चाइनीज़ फिलोसफी हो सकती है, और आखिरी जो बात बचती है वो ये मुस्लिम फिलोसोफर्स जिनकी हम बात करते हैं. इब्ने रुश्द का नाम है, अरिस्टोटेलियन फिलोसफी में काफ़ी काम किया, और बहुत से अलफराबी का नाम है. तो हम कहना कैसे जस्टिफाइड है, बिकॉज देवर आइदर पर्शियन और अरब्स. But were there ever any Pakistani philosophers to begin with? Bhai, Pakistan, how do we relate to them? Isn't this pan-Islamism that we criticize often? Bhai, Pakistan to 712 mein bana, lekin pehla ID card wo Qasim ko hi mila tha. Ha, dekhiye, isme Persian zarur the, lekin bunyadi taur par jo zuban thi wo Arabi thi. Lekin देखें, जब मैंने ये कहा कि सब लोग इस पर खुश नहीं हैं कि इस्लाम की तहजीब यूं बनी, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो मजहबी जहन रखने वाले हैं वो आज भी उस दौर को अच्छा नहीं समझते. अगर आप इजाज़त दें, देखें मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा इक्तबास पढ़ के सुनाऊँ जो अल्लामा इकबाल की किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट से है, और जो उनके ख्यालात हैं फलसफे के बारे में. आपने फलसफा का सवाल उठाया ना, तो आई वुड लाइक टू रीड टू यू. अच्छा देखें, अल्लामा इकबाल, उनकी शायरी तो लाजवाब है, उनकी सोच ऐसी है कि कल्ब गरमाती है, रूह तड़पाती है, लेकिन वो फलसफे के हक में नहीं थे, और बहुत से मुसलमानों की तरह वो उसे मायूब समझते थे. बल्कि, और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि हम उनको फलसफी मानते हैं, बट ही वॉज एक्चुअली वेरी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फिलोसफी. और दूसरा ये कि जो यूनान की तहजीब के असरात थे इस्लामी तहजीब के ऊपर, उसके वो शदीद मुखालिफ थे. तो मैं एक थोड़ा सा, अगर मुझे मिल जाए जल्दी से, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहूँगा. इत्तफाक है कि मिल गया. तो देखिए, जो जो सीरियस बात अल्लामा इकबाल करते हैं ना, साइंस और फलसफे और दुनिया और तहजीब के हवाले से, वो उनकी शायरी में आपको इतनी नहीं मिलती जितना के उनके अंग्रेजी नसर में मिलती है. तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम से मैं एक इक्तबास पढ़ के सुनाता हूँ. वो फरमाते हैं, ग्रीक फिलोसफी हैज बीन अ ग्रेट कल्चरल फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. Yet a careful study of the Quran and the various schools of scholastic theology that arose under the inspiration of Greek thought disclosed the remarkable fact that while Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers, it, on the whole, obscured their vision of the Quran. Yani ki jo Yunan ki fikr mein mantiq और साइंस और अकलियत है, ये इस्लामी सोच से मुताबिकत नहीं रखती, ये उसके मुतजाद है. और उनको खास तौर पर दो लोग बहुत बुरे लगे, एक अलफाराबी और दूसरा इब्न सीना. तो उनका एक
شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. مطلب اس کا یہ سادے لفظوں میں کہ جو اسلام کی حرارت ہے وہ عقل سے آپ نہیں سمجھ سکتے، اور اسی لیے یہ ابن سینا اور الفارابی جیسے لوگ ہیں یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. اور کہ باقی جو ہے میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا، انہوں نے خوب حملے کیے ہیں آن دا ریشنلسٹ فلاسفرز. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو باہر سے آئی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو لیٹر آن بہت زیادہ اگر ہم بات کریں نا اقبال کی، لیکن جہاں سے گولڈن ایج کا ہم نے آرگیومنٹ شروع کیا، آپ کو میں پہلے سن چکا ہوں کہ آپ اس پہ امام غزالی کو بھی کافی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ان کے آنے سے ایک امپیڈیمنٹ کریٹ ہوئی ٹوورڈز دا پاتھ آف دس ریشنلٹی جو کہ اس سے پہلے شاید پراسپر کر رہی تھی. اور بہت سے لوگوں کا ڈیفینس امام غزالی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک آرگیومنٹ تھا کہ یہ ریکنسائلیبل نہیں ہے ریزن اس طرح سے، یہ صرف میٹا فزکس کے میدان میں ہے. اگر آپ نے یونیورس کے جتنے بھی ماڈل پڑھنے ہیں یا ایجاد کرنے ہیں آپ کیجئے، بٹ میٹا فزکس کو سیپریٹ رکھیے. ڈو یو تھنک دیٹ غزالی کوڈ بی ڈیفینڈیڈ بائی دس آرگیومنٹ سم ہاؤ، اور واز ہی دا پروپوننٹ آف اسٹاپنگ دس ٹائیڈ آف ریشنلٹی ان دا مسلم ورلڈ؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام غزالی کے کیا خیالات تھے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال کا ٹھیک جواب دے پاؤں گا. امام غزالی کا یہ مدعا تھا کہ کوئی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، یہاں تک ایک پتا بھی نہیں ہلتا اپنی جگہ سے جب تک اللہ یہ حکم نہ دے. ابن رشد، جس کو انگریزی میں ایوروز کہتے ہیں، امام غزالی کے 50 سال بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے ان کی تحریر کا بغور مطالعہ کیا اور پھر ان پر بڑی تنقید کی. تو امام غزالی کا یہ کہنا تھا کہ سبب اور مسبب، یا جسے علت اور معلول کہتے ہیں، یا انگریزی میں کاز اور ایفیکٹ کہتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور میں 2-3 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. تو یہ ابن رشد کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابن رشد یہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے یہ مثال دی ہے کہ ایک شخص اگر کوئی روٹی کھائے تو اسے تسکین کا احساس ہوتا، لیکن یہ ایک غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ روٹی کھانے سے آپ کو وہ تسکین کا احساس نہیں ہوتا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے ہیں جو آپ کے اندر وہ تسکین پیدا کرتے ہیں. دوسری مثال، ماچس جلائیے، روئی کے پاس لے جائیں، روئی کو آگ لگتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس روئی کو آگ لگائی ہے ماچس کے ذریعے سے. غلط، غلط. دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے فرشتے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس روئی کو جلایا ہے. تیسری مثال، تو یہ ساری مثالیں اس سمت ہیں کہ انسان بے بس ہے، وہ اگلے لمحے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہہ سکتا. تو یہ مثال، ایک تیر ہے جو اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اب یہاں پر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدف کو جا کے لگے گا، نہ ایسے نہیں، بے شک وہ ادھر پہنچ جائے، ادھر پہنچ جائے، ادھر پہنچ جائے، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو کیا پتا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ اللہ ایک پل میں کائنات بناتا ہے، اگلے پل میں اس کو ختم کرتا ہے، پھر بناتا، پھر ختم کرتا، پھر ختم. گویا کہ کوئی تسلسل نہیں ہے، آپ میں وہ طاقت ہی نہیں کہ آپ اگلے لمحے کے بارے میں بتا سکیں. اب یہ چیز جو ہے ہماری گتھی کے اندر آ گئی.
आप जहाज पे बैठे, अनाउंसमेंट आती है, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में उतरने वाले। अरे भाई, कौन सा जहाज है जो उतरा नहीं है अब तक? कोई ऐसा जहाज है? पायलट को हम तनख्वाह किस लिए देते हैं? हाँ, हर जहाज को तो उतरना है। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि अगर मैं एक पत्थर को यूं छोड़ूं तो वो गिरेगा। मुझे इंशाल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, मगर गजाली के मुताबिक है। अब मसला ये है कि ये साइंस के ऐन मुतजाद है, कंप्लीटली टोटली एब्सोल्युटली द ऑपोजिट। इसलिए कि साइंस का मकसद है पेशेंटगोई करना। वी वांट टू नो व्हाट विल हैपन एट द नेक्स्ट मोमेंट, वी वांट टू नो हाउ द प्लैनेट्स गो अराउंड, वी मेक प्रिडिक्शंस। डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पे कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने भी मिसालें दी गजाली की थॉट के हवाले से, बट why was it taken so seriously and literally by the Muslim world that even in the 21st century you say that he's still relevant? halanki western canon mein bhi Immanuel Kant aaya tha jisne critique of pure reason likhi, aur usse wo jo isse pehle enlightenment ki tehreek thi usko kisi had tak damage bhi karne mein kamyab ho gaya. aur dusri cheez, bahut se wahan par bhi scholastic philosophers the jis tarah Kierkegaard ki main misal de dun ya iske alawa aur bhi hain. तो वेस्टर्न कैनन में वो थॉट इतनी सीमेंट नहीं, लेकिन आपका ये है कि यहाँ सिर्फ गजाली की वजह से सिंगल हैंडेडली वो सारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया और आज तक रिवर्स नहीं हो रहा. हाउ वाज दिस पॉसिबल? व्हाई डिड वी टेक हिम सो सीरियसली? बहुत अच्छा सवाल है और मेरे पास मुकम्मल जवाब नहीं है, लेकिन दो मुमकिना जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ. एक ये कि ईसाइत में जो एब्सोल्यूटिज्म ऑफ गॉड है वो इस हद तक नहीं है, या कम से कम जो ईसाइत के चंद फिलोसोफर्स हैं वो मानते हैं कि खुदा खालिक है, लेकिन वो हर चीज में मुखिल नहीं होता. अब ये एक पत्थर ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? उनके बकौल अल्लाह ताला ने फिजिक्स के कानून बनाए बशमूल ग्रेविटी के, तो अल्लाह ने ग्रेविटी के हवाले कर दिया. फिजिक्स खालिक जरूर है, जिसने ये कायनात बनाई, और कायनात बनाने के साथ कायनात के उसूल भी बनाए, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ केमिस्ट्री. खैर, फिजिक्स केमिस्ट्री की चीज है, दे वर मेड बाय गॉड. और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना कि पत्थर नीचे गिरेगा, पत्ता हिलेगा कि नहीं, जहाज कब नीचे उतरेगा, ये तो फिर या इलेक्शन होगा या नहीं, ये भी इलेक्शन होगा, वो भी है. मगर देखिए, जो दूसरी बात है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक शख्स कभी तारीख का धारा बदल नहीं सकता, इट हैज टू बी मोर देन दैट. जिना साहब ने बदल दिया? नहीं, वो एक लंबी बहस है, उसको रहने दीजिए, फिर किसी वक्त उस पर बात करेंगे. डॉक्टर साहब, ये एक चीज में जी बात मुकम्मल हो जाए तो उसमें ये है कि उससे पहले, गजाली से पहले जो अकली सोच थी, जो मोतजिला की थी, वो हावी थी और आम थी मुसलमानों में, और खास तौर पर जो खलीफा थे, दरबारों में वही सोच चलती थी, और वही चीज है जिसने फिर मुसलमानों को ये सारे साइंसी कमालात और इल्मी कमालात की तरफ पहुंचाया. अब वो गजाली उसको ख़त्म करने में क्यों कामयाब हुए? शायद ये कि जो रासिखुल वो इसी को दुरुस्त मानते हैं कल भी और आज भी, या फिर इसकी सियासी वजूहात भी हो सकती थी, क्योंकि मोतजिला ने बहुत सी सियासी गलतियां की, वो भी तो कुछ कम जालिम नहीं थे एक्चुअली. ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक वर्ल्ड में ये अशारी थॉट, बेसिकली यही आप कह रहे हैं ना कि प्रेवलेंट हो गई,
तो इसके अगर गोइंग थ्रू देखा जाए कि अगर ये कहा तो जाता है कि मंगोल इन्वेजन जो 1258 का था उसके बाद बहुत सी लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय हो गई, कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए वहाँ से भी एक ब्रेक लग गई सारे प्रोसेस को. लेकिन कीपिंग दैट असाइड, अगर हम ये कहें कि यूरोप में भी कुछ ऐसे मामलात थे डार्क एजेस में जब साइंटिफिक रैशनैलिटी बिल्कुल बैन थी, किताब छापना बैन था, गैलीलियो से माफ़ी मंगवाई चर्च ने, साइंटिस्ट को एक्सकम्यूनिकेट कर दिया करता था चर्च, लेकिन एक टाइम आया कि वहाँ प्रोटेस्टेंट रेफरमेशन हो गई, मार्टिन लूथर आ गया, मुस्लिम वर्ल्ड में रेफरमेशन क्यों नहीं हुई अकॉर्डिंग टू यू? नहीं हुई, ये तो एक हकीकत है. हाँ, थैंक यू, आई वाज लुकिंग फॉर द वाटर. ओके, एक वजह तो मुझे ये समझ में आती है कि ईसाइयत में एक मरकजी शख्सियत है पोप. पोप जो कहता था वो ईसाइयत का कहना था, लेकिन इस्लाम में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है. रसूलुल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा जानशीन कौन होगा और उसके क्या पावर्स होंगे, क्या वो दीनी मामलात में हमेशा सही बात करेगा. उसको कोई अथॉरिटी नहीं थी. जब अथॉरिटी ना हो तो फिर आप बगावत किसके खिलाफ करेंगे? मार्टिन लूथर ने तो बगावत की ना अगेंस्ट द पोप. दूसरी बात ये है कि ये बात मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है कि इस्लाम में तब्दीली नहीं आई. इस्लाम में तब्दीली आई है और आ रही है और आइंदा भी आएगी. बहुत से ऐसे मुफक्किर रहे हैं गुज़िश्ता 300 साल में, मेरा मतलब ये कि दौरे जदीदियत के मुफक्किर रहे हैं जिन्होंने असर डाला है इस्लाम के ऊपर. सर सैयद अहमद खान यहाँ के हैं, ज़िया गोकल्प तुर्की के हैं, राशिद रिदा मिस्र के हैं. अब इनका असर इतना नहीं हुआ, लेकिन देखें ये कोशिश कि इस्लाम को जदीदियत के साथ जोड़ा जाए, ये कोशिश ख़त्म नहीं हुई है. हमारे अपने जावेद गामदी साहब हैं, वो लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर. और ये ना कहें कि उस कि उनका असर जीरो है, कम जरूर है लेकिन है, इट्स नॉट जीरो. और मौदूदी साहब का क्या इम्पैक्ट था इस खत्ते में इस्लाम पर, वो हम फिर किसी वक्त डिस्कस करें. चलें लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में विल ओपन द फ्लोर. पाकिस्तान के अंदर जो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए साइंस की, तो इसमें आपको पता है कि कोई नोटेबल चीज़ शायद उस लेवल पर ना हो जितनी आइडियल होनी चाहिए. बल्कि पाकिस्तान में तो अभी हिंदुस्तान चांद पर गया तो हमने यहाँ पूछा कि हमारा सुपारको क्या कर रहा है, तो पता लगा हाउसिंग स्कीम बनाई हुई है, उन्होंने प्लॉट दे रहे हैं लोगों को. तो हमारा फिर ये सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाना चाहें, हाउ डू यू थिंक द मेंटालिटी नीड्स टू चेंज? क्योंकि अगर तो हमने ये रेकनसाइल किया हुआ है कि फेथ और रीज़न इररेकनसाइलेबल हैं और इसीलिए हम एक को छोड़ देंगे दूसरे का दामन पकड़ते हुए, ये दोनों साथ नहीं चल सकते, तो फिर ये रिफॉर्म आएगी कैसे, बिलखसूस इस मुआशरे में जहाँ पे बिल्कुल साइंटिफिक रैशनैलिटी की रिस्पेक्ट नहीं है, किताबों के अंदर भी तमाम मजामीन एक ही बात कर रहे होते हैं? अव्वल तो मैंने ये नहीं कहा कि फेथ एंड रीजन आर नॉट रिकंसाइलेबल. आप फेथ को अपनी जगह दें लेकिन उसको आप साइंस के साथ ना जोड़ें. साइंस एक अलहदा चीज़ है जिसके इस्तेदाल और हैं, जिसका तरीक़ाकार तजर्बाती है, अकली है, जबकि ईमान जबकि दीन और मजहब की बुनियाद ईमान है. यू डोंट क्वेश्चन व्हाट इज इन द बुक्स, यू कांट चेंज इट. लेकिन साइंस में हर वक्त तब्दीली आती रहती है. अच्छा, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बन सकते हैं साइंस और अक्ल के लिहाज से, फिक्र के लिहाज से? तो उसका रास्ता तो तालीम के जरिए से ही है, और कोई नहीं है. आखिर तालीम वो चीज़ है जो हमारे जहन बनाती है ना. अब उस तालीम की क्या शक्ल व सूरत होनी चाहिए? मेरे ख्याल में वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि बाकी दुनिया में है, जैसा कि हांगकांग में है, वियतनाम में है, इंडिया में है. इंडिया में अगरचे मजहबियत आ रही है लेकिन अब तक उनके साइंस में वो नहीं घुसी है. वो जो IITs में पढ़ाते हैं
और TIFIR में जो रिसर्च करते हैं उसमें जरा भी हिंदू मत नहीं आती है, दे डू प्रॉपर साइंस। तो मुख्तसर ये, वी शुड डू व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज, इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू फिगर आउट द वे टू द वे अहेड। थैंक यू, थैंक यू, लेट्स ओपन द फ्लोर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इट्स ओपन। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी कोशिश की है कॉन्सेप्ट खराब करने की, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। और मेरा सवाल ये है कि मुजम्मिल ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में साइंस, हम कुछ अर्सा पहले सुनते थे डॉक्टर अताउर रहमान ने बड़ा जोर लगाने की कोशिश की, एक हीरो को तो हमने बड़ा ख्वार कराया, माफ़ी भी मंगवा ली टीवी पे बुला के, और बेचारे कुछ साल पहले, डॉक्टर कदीर की मैं बात कर रहा हूँ। आपने भी कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो होता है वो करना चाहिए, गुड। माय पॉइंट इज दिस, पीपल लाइक यू और डॉक्टर समर मुबारक, डॉक्टर अताउर रहमान और जो भी कुछ हैं, कोई ऐसा रोल तो कभी प्ले हो सकता है, रादर सजेस्टिंग कोई एक्टिविटी। जब प्रणब मुखर्जी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर था ना सर, उसके नीचे 17 PhD डॉक्टर्स काम करते थे, वो ये कहता था राजनीति मैं देखूंगा, पॉलिसी तुम बताओगे। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी थॉट ही नहीं है, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल लाइक यू। आपने फिजिस्ट की बात की, एनी फील्ड, एक बंदा बता दें, हम कोई प्रोड्यूस करते हों या करना चाहते हों या कर सकते हों, कोई ऐसा प्लान है? आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बीइंग वेरी जूनियर, बीइंग थिंकिंग ऑफ द लाइंस के जी मुल्क में कुछ होना चाहिए, पीपल लाइक यू और जो मौजूद हैं इस टाइम, क्या एक बंदे डॉक्टर कदीर के उस एक्ट के बाद हम सब चुप कर गए, या सिर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद हमारे पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इस मुल्क में देने के लिए, ना किसी छोटे को बताने के लिए ना किसी बड़े को बताने के लिए, कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसी थॉट है आपके पास प्लीज? आई एम वेरी पजल्ड, आप अब्दुल सलाम और कदीर खान को कैसे जोड़ सकते हैं, या अताउर रहमान और मुझे कैसे जोड़ सकते हैं? आई एम वेरी पजल। सर इसी पजल को दूर करने के लिए पूछा है कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना, उसके बाद सर काम क्या किया? फिर बात करेंगे इस पे। या आई थिंक वी शुड लीव दिस क्वेश्चन फॉर लेटर। नहीं, वो कदीर साहब की माफी की आप बात कर रहे हैं ना, वो अबू ताहिर बुखारी के नाम से एक शख्स थे, गूगल करेंगे वो कौन थे। डॉक्टर साहब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, ये जो समर मुबारक मंद और अब्दुल कदीर को आपके साथ जोड़ा गया, आई अपोलोजाइज। मेरे साथ नहीं, अब्दुल सलाम के साथ जोड़ा गया। साथ जोड़ा गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ा रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं 14 साल 12 साल पढ़ के, तो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस IIT का आपने जिक्र किया है, अगर यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के या फिलेंथ्रोपिस्ट को इन्वॉल्व करके IIT जैसा कोई एक इंस्टीट्यूट हम पाकिस्तान में बनाना चाहें, तो उसकी जो उसको पढ़ाने के लिए इस मुल्क में जितना ब्रेन ड्रेन है, और उसका हम क्या करेंगे? और ये जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों के अंदर साइंस का नॉलेज पैदा करना, उसका क्या तरीका है? थैंक यू जी दीप, बड़ा बुनियादी सवाल है। हमारी सोच में, हमारी तालीम में जो साइंस दुश्मनी है वो जगह जगह दिखाई देती है, तो सबसे पहले तो हमें ये कबूल करना होगा कि साइंस एक अच्छी चीज़ है और कि इसे हमें एक्चुअली सीखना है और इसकी रूह को समझना है। ये दरअसल एक तर्ज फिक्र है, एक सोच का अंदाज है, ये कोई फार्मूलों का ढेर नहीं है, ये कोई डायग्राम्स नहीं है जिसे आपको याद करने हैं, ये एक अंदाज है जिसमें आप सवाल करते हैं और सवालों के जवाब तलाश करते हैं चंद उसूलों को सामने रखते हुए। ये हमारे इम्तिहान में नहीं परखा जाता, जो सिर्फ रट्टे पर मबनी है। तो इस निज़ाम को बदलने के लिए आपको कई महाजों पर लड़ना होगा। एक ये कि निसाब बदलना है, अब तो हमारा जो नेशनल करिकुलम बना है, सिंगल नेशनल करिकुलम, ये तो मदरसों के लिए ठीक है लेकिन नॉर्मल स्कूलों के नहीं है। दूसरा ये
कि जो किताबें हैं हमारी वो इंतहाई घटिया हैं, ऐसी हैं कि अगर उनको दरिया में बहा दिया जाए ना, शायद वो इकोलॉजिकली इतना अच्छा ना हो, लेकिन ये बेहतर होगा इस मुल्क के लिए. सो मच नॉनसेंस इन दोज बुक्स. एग्जाम्स की हालत ये आपको पता है कि लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो 1100 नंबर ले लेते हैं 1100 में से, लेकिन उन्हें दो जुमले ठीक तरह से लिखना नहीं आता. लिहाजा वो तो अब ख़त्म ही हो गया कि नंबरों से हम अंदाज़ा लगाएं कि कौन कितने पानी में खड़ा है. और फिर टीचरों की हालत, टीचर्स को जब तक हम री एडुकेट नहीं करते, जब तक हम उनका तकर्रुर उनकी काबिलियत की बिना पर नहीं करते, उस वक्त तक तो ये ऐसे ही गंद निकलता रहेगा. तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन देखें इसमें बददिल होने की जरूरत नहीं. अब हमारे पास एक चीज है जो पहले कभी नहीं होती थी, और वो है इंटरनेट. और इंटरनेट से अगरचे वो हर चीज का हल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे मसले उसे हल हो सकते हैं, लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. अब हमने इस्लामाबाद में एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है ब्लैक होल में, द ब्लैक होल में, जिसमें हम इंटरनेट का मवाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको हम फिर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर हम कहते हैं कि ये समझाओ वो समझाओ. दैट वर्क्स. वो बहुत अच्छा तरीका है. तो मिक्स कर लें इंटरनेट और पर्सनल इंटरवेंशन. मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन है जो आपने बात की सर, इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले हमने कॉन्सेप्ट था तालीम और तरबियत का, तो अब तो हम देख रहे हैं कि तरबियत तो खैर बहुत दूर चली गई है, तालीम तो है ही नहीं और तरबियत भी बहुत दूर चली गई. तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो? मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा और बात को बढ़ा कर डिस्कस करें कि क्या सिस्टम किस तरह से बने कि हमारे यहाँ लोगों की तालीम भी हो तरबियत भी हो. अच्छा, तालीम की बात हुई थी ना और के स्किल्स की, ब्रेन ड्रेन की. दीप, आपने ब्रेन ड्रेन का लफ्ज इस्तेमाल किया. देयर इज नो ब्रेन ड्रेन. आप भूल जाएं, देयर आर वेरी फ्यू ब्रेन्स लेफ्ट. जो ये देखें कि जो अफरादी कुव्वत यहां से जाती है मशरक वुस्ता के मुल्कों में, 85% ऑफ परमिट्स गिवन दिस ईयर, लास्ट ईयर 2023 में, ड्राइवरों के लिए थी. जो 15% है उनमें भी कुछ कारीगर हैं, कुछ टेक्नीशियन हैं. जो टॉप लेवल के हैं ना, वो सिर्फ 3% है. मतलब ये कि जो मैनेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस लेवल के लोग जो हैं वो सिर्फ 3% है. 3% ऑफ हाई लेवल मैन पावर. और ये ILO के स्टेटिस्टिक्स हैं. तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत तो इस वक्त है कि लोगों को वो हुनर पहुँचाए जाएं, उनको सिखाए जाएं. इलेक्ट्रिशन, अगर इलेक्ट्रिशन को आप अच्छी ट्रेनिंग दें तो उसकी इतनी मांग होगी मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी. हमारे लोगों में बहुत काबिलियत है. आप देखें जो गाड़ियां चलती हैं इस मुल्क की सड़कों के ऊपर, उनको मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है. दे आर वेरी इंट्रिकेट मशीन्स. लेकिन जो हमारे लोग हैं, वो हमारे जो टेक्नीशियन हैं, जो मैकेनिक हैं, वो सीख लेते हैं. जुगाड़ ही सही, लेकिन जुगाड़ इज एक्चुअली समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. उससे उनको अगर आप थोड़ी सी और तालीम दें तो वो उसे बेहतर चीज बना सकेंगे. मेरा मैकेनिक जो है इस्लामाबाद में, मेरी 1990 की बेलिनो है, उसके पास मुझे बार बार जाना पड़ता. अच्छा, वो अनपढ़ है, टोटल अनपढ़ है, लेकिन उसने एक गाड़ी बनाई है जो रोड पर भी चल सकती है और रावल लेक में भी वो ले जा सकता. अनपढ़ आदमी, एन इंजीनियरिंग मार्वल. कोई चीज आप उसको दिखाएं, वो एकदम आपको उसका हल दिखा देता. तो दैट्स द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी नीड टू नर्चर. जी सर, मेरा एक हेलो जी, फर्स्ट रो के सामने बैठो. मेरा एक सवाल ये है जी कि क्या हमें ये जो सारी हम बात कर रहे हैं तालीम देने की और वो सारा,
क्या हमें जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि प्रेडोमिनेंटली एग्रेरियन है उसमें शिफ्ट की जरूरत नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब आएगी, जब हमारी रूलिंग एलीट इस वक्त जागीरदार अगर बैठा है तो उसको तो तालीम याफ्ता बंदे की जरूरत नहीं है, वो तो चाहेगा कि एक मजारा मेरे साथ हो और बाकी जो भी उसका जो पैराफेरेनिलिया। जबकि जहां जहां भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है ये आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ज्यादा, इसलिए कि उनको जो जो बंदा चाहिए वो टेक्नीशियन चाहिए, उनको मैनेजर चाहिए, उनको इंजीनियर चाहिए, उनको टेक्निकल वो सारी चीजें चाहिए। तो जब तक जो हमारी रूलिंग एलीट अगर हमारे ऊपर जागीरदार ही रहेंगे तो ना ये निसाब चेंज होगा ना ये, तो हमें क्या एफर्ट करनी चाहिए कि हम ये बेसिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका एक शिफ्ट आए ताकि जरूरत उस चीज की हो, ताकि जो रूलिंग एलीट है द पावर दैट बी उनको वो जरूरत ही उस चीज की हो ताकि वो तालीम दें। तालीम इसलिए वहां पे जहां भी इंडिया की मिसाल ले लें जो कि हमारे हमसाया में है, जब तक वहां पे लैंड रिफॉर्म इमीडिएटली हो गई थी आफ्टर पार्टीशन और उसके बाद उन्होंने एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म बनाया और इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां का जो वो उसकी जरूरत बन गई है कि वो तालीम है जो वो बने, जबकि हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है वो तो जागीरदार है अभी भी प्रेडोमिनेंटली, तो उसको तो मजारा चाहिए ना, उसको तो तालीम याफ्ता बंदा चाहिए ही नहीं। इसके ऊपर आप की राय बताओ। जी बिल्कुल, बड़ी आपने जो सबसे अहम मसला है उसके ऊपर अपनी उंगली रखी है। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कोई सोच ही नहीं थी कि आगे पाकिस्तान को करना क्या है, कभी जिना साहब ने ये नहीं कहा कि इधर ज़रई इस्लाहात होने चाहिए, अगर कहा है तो आई वुड लाइक टू नो व्हेन एंड वेयर, नहीं कहा है, मैंने बहुत देखा। इसके बरक्स नेहरू ने कहा कि हमें जदीद दुनिया के साथ जल्द अज जल्द जुड़ना है, हमें एक सनती मुल्क बनना है, इसके लिए हमें तालीम चाहिए, इसके लिए हमें ज़रई इस्लाहात की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने अभी बताया उधर चुटकी बराबर एक साल के अंदर लैंड रिफॉर्म हो गया। आज देखिए मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब यानी हमारा पंजाब और उनके पंजाब में फर्क कितना है, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, लैंड ओनरशिप के लिहाज से, तो और फिर तालीम के लिहाज से। तो हाँ ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बावजूद इसके कि शुरू में इसका नहीं सोचा था, इसे इसको एक गोल भी नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी होता तो चला गया ना। अब लोग चाहते हैं उनके बच्चों को तालीम मिले। बलूचिस्तान की मैं मिसाल आपको देता हूं, उधर तो सरदारों का जोर था एक जमाने में, अब भी है लेकिन टूट रहा है ना, उधर एक बलोच मिडिल क्लास बन रहा है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले ग्वादर गया था, कुछ महीने पहले ग्वादर गया था, ग्वादर यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर दिया तो इतने नौजवान बैठे थे, लड़के और लड़कियां दोनों, और वो दे हैव ब्रोकन आउट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, उसमें से वो उठे हैं निकले हैं। तो तब्दीली आएगी, सवाल सिर्फ ये कि हम उसमें तेजी कैसे ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम अभी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा, मतलब इस्लाम की अगर बात करें हम फेथ और रीज़न को रेकनसाइल क्यों नहीं कर सके, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे गजाली ने कहा कि हम ये फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात स्पिनोज़ा ने भी की थी, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री विल को उसने रिजेक्ट किया था, लेकिन जब ट्रांसेंडेंटलिज्म आया तो कांट ने उन दोनों चीज़ों को रेकनसाइल किया और उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। तो हम क्या ये बात कर सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो इसका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट अडॉप्टेबल। जैसे हमने प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट नहीं किया था, कोई भी चीज़ नहीं आती है हम उसको अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो हम लोग क्योंकि लर्न करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अनलर्निंग होता है। हमने मुजीब के 6 पॉइंट्स को अडॉप्ट नहीं किया, बाद में 18th अमेंडमेंट लेके आगे, अभी भी हमने लर्न नहीं किया, हम लोग BLA की शक्ल में एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं मुक्ति वाहिनी जैसा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर अडॉप्टेबिलिटी नहीं है? अडॉप्टेबिलिटी अगर आ जाए, अगर हम चीज़ों को अनलर्न करना शुरू कर दें तो हमारा लर्निंग प्रोसीजर आसान हो जाएगा। वेरी गुड पॉइंट, आपने प्रिंटिंग प्रेस की मिसाल दी, गुटनबर्ग ने ये शुरू किया जर्मनी में 1400 एंड समथिंग,
अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस बकौल उलेमा के हराम था, उसको उसकी इजाजत सिर्फ 300 साल पहले मिली, और ये सल्तनत उस्मानिया में। आखिर हमने उसको एडॉप्ट तो कर ही लिया। अब यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद ये ना जानते हों कि आज से 30 साल पहले यहां जो उलेमाए कराम थे वो कहते थे कि टेलीविजन देखना हराम है। आज हर आलिम, हर मौलवी चाहता है कि वो टीवी पर आए। तस्वीर कशी हराम करार दी गई थी, आज वो सारे अपनी सेल्फियां ले रहे होते हैं। तो देखें, तब्दीली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, और जब दुनिया बहुत आगे निकल जाती है तो दुनिया घसीट के इनको आगे ले जाती है। अनगिनत मैं और मिसालें आपको दे सकता हूं। पहले लाउडस्पीकर हराम था, अब तो एक मस्जिद में 6-6 लाउडस्पीकर लगे हैं। और तो और, सूद, आज बताइए कितने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो अपनी सेविंग्स बस तकिए के नीचे रख देते हैं। बहुत कम है, इसलिए कि 25-22% तो आपको सूद मिलता है। अब उसको कुछ और नाम दिया जाता है, मुनाफा, लेकिन है सूद। यहां हर एक बंदा जो है सूदखोर है। अब मौलाना मौदूदी, जिसकी आपने बात की थी, मौलाना मौदूदी ने कहा कि सूद एक इतनी बुरी चीज है, ये जिना से भी बुरी चीज है। हराम, सिर्फ हराम नहीं, लेकिन हराम के भी दर्जे होते हैं, तो दिस इज वर्स देन जिना। आज हर एक जो है यहां पर जो बैठा हुआ, पता नहीं शायद कोई ऐसा हो जिसका बैंक अकाउंट ना हो। सो द पॉइंट इज कि हाँ, वी डू अडेप्ट, बट ओनली आफ्टर समबडी फोर्सेस अस। एंड देयर वाज अ डिफरेंस बिकॉज द प्रेमिस ऑफ कांट वाज मेटाफिजिक्स, द नेचर ऑफ रियलिटी, बट द प्रेमिस ऑफ मुस्लिम फिलोसोफर्स वाज इस्लाम। बट दे अडॉप्टेड ना, व्हाट ही सेड, दे अडॉप्टेड, बट वी आर रेजिस्टेंट टुवर्ड अडॉप्टेशन, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, आगे जो इन्होंने सवाल किया, पाकिस्तान एक एग्रेरियन स्टेट है, तो मैं इसको थोड़ा आर्ग्यू करूँगा कि पाकिस्तान इज नॉट एन एग्रेरियन स्टेट, रादर इट इज सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। है तो सही, महकमा ज़राअत का मुल्क यार, पता सबको। नहीं सर, वो 22 पॉलिसीज की वजह से वो फिर बाद में चेंज कर दिया था, अभी इट्स नॉट। सर, मेरा क्वेश्चन इसके मुताबिक कि पाकिस्तान का जो इलीट सेक्टर है वो ये है कि वो ज़मीनें बेचता है और कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करता। तो आप प्रोडक्टिव सेक्टर में लाने के लिए रियल एस्टेट पाकिस्तान को, अगर आप एक स्टेट ऑफ रियल एस्टेट कहें तो बुरी बात नहीं होगी, तो उसको कैसे चेंज करें? और फिर जो आपने सूद और इस चीज़ की बात की इकोनॉमिक सिस्टम की, तो पाकिस्तान में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को लाने के लिए हम क्या करें? क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की इस्लामिक बुक्स पढ़ूँ इकोनॉमिक सिस्टम पर, क्योंकि मैं एक मईशत का स्टूडेंट हूँ, तो हम इसको लाने के लिए क्या करें? क्या क्या चीज लाने के लिए? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, या एग्जिस्ट करता है कोई इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम? अच्छा, हाँ, जो आपने प्लाटों की बात की, बाज लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं प्लाटिस्तान है। इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए? सारी सरमायाकारी जो है वो प्लाट खरीदने और फिर मुनाफा कमाने पर लगाई जाती। इसके बरक्स आप ये देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में सनतें लगती हैं, वहाँ कारोबार शुरू किए जाते हैं, और जो ज़र मुबादला उससे कमाया जाता है, उससे फिर और चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो हम ये प्लॉट कल्चर कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसका आसान हल ये है कि आप टैक्स लगाएं, और वो टैक्स लगाएं जो उस प्रॉपर्टी की असल कीमत के ऊपर हो। अब यहाँ पर ये आपको पता, हर एक को पता है कि मकान आपका असल में 5 करोड़ का है, लेकिन आप डिक्लेयर करते हैं 1 करोड़ का, उसको ज़रई ज़मीन कहकर टैक्स माफ़ कराते हैं, कुछ इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके। लेकिन अगर सही तौर पर टैक्स लगाया जाए तो फिर वो मुनाफा
फिर वो इतना मुनाफा बख्श काम नहीं रहेगा, वो सरमाया कहीं और सनत की तरफ जाके लगेगा, कारोबार की तरफ जाके लगेगा। जहां तक इस्लामी इक्तसादी निज़ाम की बात है, आई डोंट थिंक देयर इज सच अ थिंग, अगर है तो कहीं पिछले 1400 साल में हमें नजर आना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं कहीं दिखाई दिया। क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब में एक इस्लामी मईशत है? वो तो तेल पर चलती है, और कहाँ? आई डोंट नो, कहीं कुरान में उसके खदोख्याल बयान किए गए हैं? बिल्कुल नहीं। कुरान पाक में हमें और बहुत सी हिदायत मिली हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मुल्क और रियासत को कैसे चलाया जाए, एब्सोल्युटली नॉट। लिहाजा इकोनॉमिक, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर गोल्डन एज की बात हुई इस्लाम की, और इसमें हम जो समझे तो उसमें रिलीजियस स्कॉलर का एक नेगेटिव रोल हमें नज़र आता है। तो मेरा ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे मुल्क में, वैसे बाकी जो है उसमें होती है, लेकिन जो रिलीजन लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती, क्योंकि खुद भी ये कहते हैं कि मतलब इस्लाम में अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन अगर हम देखें तो जितनी भी प्रॉब्लम है तो उसमें रिलीजियस स्कॉलर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर साइंस की कमी है तो उसमें भी इन्वॉल्व है, सेक्टेरियनिज्म, एक्सट्रीमिज्म। तो मेरा सवाल यह है कि ये कुछ टाइम बाद फिर अपने आप को करेक्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा अफगानिस्तान के हवाले से कि उन्होंने कहा कि हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे, लेकिन 20-30 साल तक उन्होंने उस चीज़ को जो डिनाई किया कि ये हराम है। तो मेरा ये है कि हम इन लोगों का सोशल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इनकी जो इंट्रा सिस्टम है किस तरह अकाउंटेबिलिटी करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किस तरह ये सिस्टम चेंज होगा? उनको बस जो भी मर्जी से बोलेंगे और उसको अपना कोई हिसाब जो दुनिया में हिसाब है वो नहीं देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। हाँ, बड़ा बुनियादी सवाल है, लेकिन इसका कोई हल नहीं, क्योंकि जब देखें कोई साइंसी तनाज़ा होता है तो हमें पता है कि उसको कैसे हल किया जा सकता है। आप सबूत सामने लाते हैं, आप तजर्बे करते हैं, आप दलाइल के ज़रिए से उसे साबित करते हैं या मुस्तरद करते हैं। लेकिन जब दीन और ईमान की बात आती है तो उसमें सही क्या और गलत क्या, कौन सच्चाई की तरफ है, कौन भटका हुआ है, इसका हल आज तक नहीं निकल सका। तो इसमें अब आप देख लीजिए, आपने अफगानिस्तान की बात की, तालिबान तो अपने आप को रासिखुल एतकाद मुसलमान समझते हैं, और वो कहते हैं कि हमने वहां पर इस्लामी निज़ाम राइज किया है। दाइश का कहना है कि नहीं, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, हम सच्चा निज़ाम लाकर तुम्हें दिखाएंगे। तो अब इसका मेरे पास हल नहीं है, आपके पास हल नहीं है, तालिबान के पास हल नहीं है, ये फिर सिर्फ जोरे बाजू से तय होगा। यही बात मैं प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स के बारे में कह सकता हूँ, कौन सही क्रिश्चियन है और कौन नहीं है। मजहबी मसाइल कभी इस तरह से हल नहीं हो सकते, लिहाजा उनका एहतसाब भी नहीं हो सकता। सर मेरा क्वेश्चन सर मुजामिल से था। सर अभी आपने बात की इस्लामिक गोल्डन एज की, जिसमें काफ़ी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, काफ़ी उनको इल्म मिला और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इनोवेशन की, एडवांसमेंट्स आई इस्लाम में। आप इस पर क्या कहते हैं कि हाउ टू रिवाइव दैट टाइम अगेन, एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने भी बात की साइंटिफिक रैशनैलिटी की, तो सर साइंटिफिक रैशनैलिटी क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी के पार्ट है, तो फिर साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म क्या होगा इसमें? थैंक यू। देखिए, पहले तो दो, आई एम अ मॉडरेटर सो यू शुडंट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, बट स्टिल इफ यू हैव पुट अप अ क्वेश्चन, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की राइट विंग अपनी आवाज़ वोकली बुलंद करती है और एंटेगनाइज करती है लेफ्ट को या फिर लिबरल्स को। मसला ये है कि दे बिकम अ पार्टी विद द स्टेट, बिकॉज व्हेन नॉलेज इज पुलिस्ड बाय द स्टेट देन वी डोंट हैव एन ऑप्शन टू काउंटर दैट फुली। हम यहाँ बैठकर भी हज़ार बार सोचेंगे कि कोई बात ऐसी निकल ना जाए कि बाहर घर जाना हमारा मुश्किल हो जाए ना।
तो आइडियाज तभी फ्लो करेंगे जब जो हेगल भी कहता है कि बेसिकली थीसिस और एंटी थीसिस का जब डिस्कोर्स होता है सिंथेसिस डेवलप होता है उससे. ये डिस्कोर्स फ्री क्यों नहीं होता? बिकॉज वी नो दैट यू नो दे आर हैंड इन हैंड विद द स्टेट. अगर हम उस क्लर्जी को जो अभी क्वेश्चन हुआ है यहाँ से उसको अटैक करते हैं ओपनली तो स्टेट विल कम आफ्टर अस, नॉट दोज क्लर्जी मैन. सो दैट्स वाई यू नो देर इज द क्वारंटीन दैट वी एग्जिस्ट इन. Unless the state gets removed from the back of these people, we can't fully challenge these ideas. But sir, Seneca says power springs from weakness. So we can manage the things like अगर हम चाहें तो इस तरह के जो ये era था पाकिस्तान जो Islamic golden age था वो दोबारा revive कर सकते हैं. If we want, depends on us. फिर भी हम पे depend करता है ये. So आप इसके बारे में क्या कहें? Like हमें सारी जिंदगी criticism नहीं करना politicians पे ये सारा. हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमें चीज़ें लेकर आनी है. अगर हम ग्रीक्स के बारे में बात करते हैं, एरिस्टोटल के बारे में, प्लूटो के बारे में, तो एटलीस्ट वी हैव टू ब्रिंग देम ऑन पैनल ताकि लोगों को समझ आए. हम भी एजुकेशनल अपने जो भी हमारा फाउंडेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें लेकर आएँ, लोगों में ये चीज़ें आएँ, रैशनलिटी उनमें भी आए, साइंटिफिक इनोवेशन उनमें भी आएँ. सो वट इज़ द पॉलिसी अबाउट दैट? बट इज दैट दिस इजी? क्योंकि गोल्डन एज फिलोसोफर्स की भी जो हमने आज बात की है, साइंटिस्ट की है, उसमें से बहुत से ऐसे थे जिनको बाद में प्रोसिक्यूट किया गया. कुछ को ये सजाएं मिली कि इसको खंबे से बांधो और जो भी गुजरेगा बाहर नमाजी वो थूकता हुआ मुंह पर जाएगा, या फिर इसकी किताब इसके सर पे इतनी बार मारो कि ये अंधा हो जाए. तो हम सेलिब्रेट तो करते हैं इन फिलोसोफर्स को और साइंटिस्ट को, लेकिन जो उनका हाल इन मुआशरों ने किया बाद में वो भी कोई आइडियल नहीं है. इसलिए बहुत से लोग वो बनना भी नहीं चाहेंगे जो आप बनाना चाहते हैं उनको. सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस रियासत का मजहब होता है उसका फिरका भी होता है, ठीक है. और वो जब एक एक फिरके की इतनी प्रेवलेंस हो जाएगी कि उसके अभी रिसेंटली लेजिस्लेशंस जो हुई हैं सेनेट से पास, गिलगित में क्या हो रहा है, इट वॉज द मोस्ट पीसफुल रीजन इन दिस कंट्री, नाउ टू फैक्शंस आर हेड टू हेड विद ईच अदर एट द थ्रोट्स ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस विच हैपन्ड इन द सेनेट बेसिकली. तो ये तो इंटरेस्ट में है ना कि ये आग लगी रहे ताकि आप और मैं डिस्ट्रैक्टेड रहें. तो हम और आप अगर आज फैसला कर लें कि हम सब तब्दील कर देंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऐसे नहीं होता. फर्स्ट वी हैव टू गेट रिड ऑफ द सिस्टम विच इज इनफोर्सिंग इरैशनैलिटी ऑन यू, देन यू कैन बी रैशनल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. दिस इज द सोल्यूशन, कीप क्रिटिसाइजिंग, कीप बैशिंग देम. हेलो, यू कैन फाइंड योर ओन, डोंट इम्पोज योर ओन ऑन माइन. मेरा सवाल सर प्रवेश साहब से है कि वर्नर हजनबर्ग के तरफ मंसूब किया जाता है कि नेचुरल साइंस के ग्लास का जो पहला घूंट है वो आपको एथिस्ट बना देता है, ठीक है, और उसी के ग्लास के पैंदे में खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसका कोई रेफरेंस मिलता है कहीं बुक में या कोई? मेरे इल्म में नहीं है. लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन, वी आर आउट ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम. लास्ट क्वेश्चन. हेलो सर. हेलो मुजम्मिल सर. माय क्वेश्चन इज के जब हम हेयर जब हम तज्जिया करने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी मेजॉरिटी कंट्रीज में या इस्लामी मुमालिक में क्यों हम मॉडर्निटी को रेजिस्ट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तज्जिये में कहीं एक खला रह जाता है जब हम शख्सियात पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जैसे मदूदी हो गए, गजाली हो गए, क्या उसके जो बड़े मुहर्रकात हैं जो कि आई थिंक आर पॉलिटिकल एंड सिस्टमैटिक एंड ऑन द बिगर लेवल, लाइक उस वक्त उस ज़माने में क्या मुहर्रकात थे, और डोंट यू थिंक दैट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसीड्स, इकोनॉमी प्रोसीड्स फिलोसफिकल मूवमेंट्स, आई मीन आई थिंक देयर इज़ अ बिगर पर्सपेक्टिव एंड वी लीव आउट अ बिट ऑफ दैट. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? थैंक यू सो मच. जी, आपकी बात में बहुत सदाकत है और हमें बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं. मेरा मतलब ये कि मोतज़िला और आशरियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं. आज का देखिए, सऊदी अरब जो बहुत ही रुजत पसंद मुल्क हुआ करता था, जहां ख्वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, आज वहां एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और उससे बड़ी तब्दीली तो यूएई में आई है. ये क्यों आ रही है? इसलिए कि इसके पीछे मादी वजूहात हैं. अब यूएई को, यूएई के जो लीडरान हैं उनको ये पता है कि उनका तेल बस कुछ ही साल और चलेगा, चलिए 20 साल और चल जाए, लेकिन उसके बाद नथिंग. सऊदी अरब के साथ भी यही है, आबादियां दोनों की बढ़ी हैं
और उन्हें पता है कि अब जदीद दुनिया के साथ उन्हें जुड़ना है, लिहाजा उनको अपने जो तौर तरीके हैं, अपने इकदार हैं, सो बदलने पड़ेंगे। यहाँ तक के चलिए आप इसको शायद अच्छा ना समझें, शायद कुछ लोग अच्छा भी समझें, यूएई में अब खुली इजाजत है शराब की, मुसलमान भी पी सकते, पहले तो गोरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए रखा था ना, नाउ इवन मुस्लिम्स आर अलाउड, और तो और वेमेन एंड मैन कैन लिव टूगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड। ये यूएई में हुआ है, क्यों हुआ है, इसलिए कि अब वो जदीदियत, जदीद दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मारूजी वजूहात हैं और सिर्फ फलसफियाना नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि अफगानिस्तान, जिसको इमदाद की शदीद ज़रूरत है, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि हमारा दीन कहता है कि लड़कियों के लिए तालीम हराम है, और हमें जितने भी डॉलर दो हम इस चीज़ से नहीं हटेंगे। अब सऊदी अरब ने समझ लिया है, यूएई ने समझ लिया है, मैं ये कहूँगा कि सिंगापुर और मलेशिया ने काफ़ी हद तक समझा है, इंडोनेशिया में भी बहुत तब्दीली आई है, लेकिन हमारे जो बगल में है अफगानिस्तान, वहाँ और पुख्तगी आती जा रही है सोच में, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी आ रही है। आज का पाकिस्तान और आज से 40 साल पहले का पाकिस्तान कोई मुमासलत नहीं, मेरे बचपन का जो पाकिस्तान था वो आज का पाकिस्तान नहीं है। बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, वी कैन गो बैक टू 70 ईयर्स अर्लियर, वो बेहतर पाकिस्तान था, लेट्स होप फॉर दैट, फाइट फॉर दैट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम, जस्ट लास्ट क्वेश्चन हियर ऊपर। सर आई थिंक के जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं गोल्डन एज के बारे में, हम कहाँ पे गलत हुए, अशारी, ऑल दैट, सर ये सारी डिस्कशंस क्या इररेलेवेंट नहीं हो जाती कि बीइंग अ फ्यूचरिस्ट अगर मैं देखूँ कि आगे क्या चीज़ आ रही है? आप अगर देखें तो इट्स द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब AGI की बातें होने लगी हैं, सब कुछ होने लगी है। 5 साल पहले ये प्रेडिक्शंस थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिपेटिटिव और मोनोटोमस जॉब्स है उसको रिप्लेस करेगी, बट उल्टा हुआ, उसने जब से LLMs आए, LLMs भी अपनी पीक कर गए अब, एंड अब जितनी क्रिएटिव जॉब्स हैं वो सारी इरेलेवेंट हो रही हैं। पहले ही हमारा मुल्क जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस अर्थ के ऊपर, बिल्कुल इरेलेवेंट है, हम जियोग्राफिकली देख लें या पोलिटिकली देख लें। तो आफ्टर द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इधर फाके नहीं पड़ देंगे, इधर क्या होगा? तो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये राइजिंग जो एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें पाकिस्तान का क्या बनने वाला है फ्यूचर में? जी, बहुत कुछ कहा जा रहा है कि AI ये कर देगा, और ख़ास तौर पर अब जो नया AI आया है, आर्टिफिशियल जनरेटिव AI, वो कहते हैं कि इसे दुनिया तब्दील हो जाएगी। दुनिया शायद तब्दील हो जाए, लेकिन हमारे ऊपर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन I'll say 5% असर पड़ेगा। There's too much hype in that. How to survive in the age of AI? Well, do what the rest of the world is doing in terms of getting a broad-based education. जिस शख्स की तालीम अच्छी होगी तो AI आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, उस वो फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपके अंदर इस खोपड़ी के अंदर जितनी ज़्यादा आप नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत भरेंगे ना, डालेंगे, उसी हिसाब से आप आने वाले ज़माने में तरक्की करेंगे। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, एंड योर सर्विसेज फॉर एजुकेशन एंड साइंस आर फुली एक्नॉलेज्ड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग, इट वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू।